हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये वीडियो बेसिकली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट एंड जेई के लिए, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है इस टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में ज़रूर रहता है, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल फॉर्म में हो सकता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो आपको पोटेंशियल निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको पोटेंशियल दिया जाता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना होता है, या फिर कभी कभी आपको पोटेंशियल वेरिएबल फॉर्म में दिया जाता है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट में दिया जाता है, फिर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस टॉपिक पे बनती हैं, और ये टॉपिक मैंने बोला है ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट नीट और जेई के लिए ये एक बर्निंग टॉपिक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हम करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं कि क्या होता है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब रिलेशन को एस्टेब्लिश कर लेंगे, बाद में उसका वेक्टर फॉर्म जान लेंगे, बाद में उसके बाद हम जानेंगे जो एक स्पेशल नॉलेज होता है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज है वो आपको मिलेगा। और यकीन मानिए कि अगर आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करने आता है तो स्टार्टिंग का आप 10 टू 15 मिनट्स वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स मिलेंगी और वो प्रॉब्लम बेस्ट एंड बेस्ट होगी। आप देखोगे कि वो जो प्रॉब्लम लेने वाला हूँ इस वीडियो में, वो आपको अच्छे से अच्छे स्ट्रीम में जो आपको कोटा वगैरह में सिखाया जाता है, उस तरह की प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ओके, तो देखिए रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए करना क्या है। सबसे पहले आपको टू पॉइंट्स ए एंड बी कंसिडर करने हैं, और वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं, वो दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई में हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा। तो इस पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसमें दो पॉइंट ए और बी हैं, दोनों पॉइंट ए और बी वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं। क्या मतलब हुआ, दोनों पॉइंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो भी है वो कांस्टेंट है, ए पर उतना बी पर भी उतना, पास होने का सिर्फ इतना ऐसा ही मतलब है। ए एंड बी आर वेरी क्लोज सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड बी ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। हियर ए पर पोटेंशियल वी है और बी पर पोटेंशियल वी प्लस डी वी है, दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास हैं, इतने पास हैं, एलिमेंट्री डिस्टेंस है डी आर, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट डी आर है, दोनों एक दूसरे के पास हैं डी आर डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर। तो आपको ये मालूम है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके इस पर पोटेंशियल कम होगा और इस पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों, पॉइंट जो बी है इट्स वेरी क्लोज टू ओ एज़ कम्पेयर टू ए, तो ए के कंपेरिजन में जो बी पॉइंट है थोड़ा पास है, ओके, इसलिए इस पर पोटेंशियल ज़्यादा है और इस पर पोटेंशियल कम है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम समझते हैं, मुझे निकालना है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को यूज़ करके हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, पहले इसको समझ लेते हैं कि मैंने जो बताया उसको लैंग्वेज में आपको कितना लिखना है। यहाँ पर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, आप कंसिडर करोगे लेट टू पॉइंट्स ए एंड बी आर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू प्लस क्यू।
जो प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स ए एंड बी हैं, ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू very close to each other. Separation between A and B are dr, जो उनके बीच का separation है वो dr है, clear हो गया। तो मैंने इतना assumption मान लिया है। और एक छोटा सा assumption क्या है, potential at A and B आर कितना है, वी एंड वी प्लस डी वी, ठीक है, ये पोटेंशियल ए और बी पर है। तो हमने इतनी बातों का कंसिडरेशन इस फिगर में दिखाया और वो ले लिया, उसको लैंग्वेज में भी लिख दिया। अब क्या करना है, अब करना क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है। हमने क्या किया, हमने एक चार्ज लिया टेस्ट चार्ज और उसको क्या रखा, उसको टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो था उसको हमने रख दिया पॉइंट ए पर। अब क्या होगा, अब अगर कोई टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसका क्या होगा, देखिए पहले समझिए कंसेप्ट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा, ठीक है, इसमें मैंने एक चार्ज रख दिया। अब आपने इस पर चार्ज रखा कौन सा, इस पर चार्ज रखा प्लस क्यू। अगर प्लस क्यू नॉट रखा या क्यू रखा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिखा लेट क्यू नॉट बी प्लेस्ड एट ए, कर दिया। अब क्या होगा, इस पर लगेगा फोर्स, तो फोर्स एक्टिंग, फोर्स ऑन क्यू नॉट, क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप देख रहे हो कि जो चार्ज है हमारा प्लस क्यू है, प्लस चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। अगर यहाँ होता माइनस क्यू चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट लग जाता। तो क्या लिखोगे, फोर्स ऑन क्यू नॉट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये आपको फोर्स मिल जाता है और ये फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस फोर्स एक्ट अलोंग ई, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई, ई के डायरेक्शन में लगता है। अच्छा अब क्या हुआ, अब हमें चाहिए था पोटेंशियल का डिफरेंस। अब पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे आए, तो पहले डेफिनेशन समझिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, क्या है कि किसी पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। कैसे लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, पर कैसे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड विदाउट चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में है क्योंकि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम है। तो हमने क्या किया, हमने चार्ज को ए से मूव कराया, कहाँ, बी तक मूव कराया। अब फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, हम जा रहे हैं एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की सूट कर रही है और प्रॉपर सेट भी हो रही है कि क्यू, जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और कैसे ले जाना है, बहुत छोटे छोटे स्टेप में ले जाना है। छोटे स्टेप का मतलब क्या है, ए और बी इसीलिए पास लिए गए हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी ना करे, ठीक है। अब क्या हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ का कम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी बी ज़्यादा होगा, वी ए आएगा। वर्क डन क्या है,
वक्डन है, यहाँ ए से बी का वक्डन है और क्यू नॉट को ले जा रहे हो, इतना हो गया। अब देखिए बी पर पोटेंशियल कितना है, बी पर पोटेंशियल आपके पास आ जाता है, यहाँ से आएगा वी बी, ये आएगा वी प्लस, वी प्लस यहाँ से क्या मिल गया डी वी, और ए पर कितना पोटेंशियल है वी। तो ये बात आपको समझ में आ गई, मैंने एक V का पोटेंशियल और A का पोटेंशियल रख दिया। अभी क्या आया, देखिए ये वक्डन बीस A से B तक बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने का मतलब मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे छोटा सा वक्डन लिख दिया डी डब्ल्यू, क्या लिख दिया डी डब्ल्यू। अब देखिए डी डब्ल्यू आ गया, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो बहुत छोटा सा वक्डन भी होगा, इसका मतलब यहाँ पे आया क्यू नॉट। तो देखिए यहाँ से वी कैंसिल हो गया, डी वी आ गया, क्या आ गया डी वी। तो आपको यहाँ लिखना क्या है, डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो ये एक पार्ट आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हो, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब जरा देखिए, एक तो आपने अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन से निकाल दिया, दूसरी बात क्या होगी कि अगर चार्ज क्यू नॉट को ए से बी तक ले जा रहे हो तो वर्कडन कितना करना पड़ेगा। जरा देखिए वो वर्कडन कितना आने वाला है, यहाँ से जो वर्कडन आएगा उस वर्कडन को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर वर्कडन रख देंगे और अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। देखिए यहाँ से क्या आएगा, अमाउंट ऑफ वर्कडन टू ब्रिंग Q नॉट फ्रॉम A टू B। अब A टू B में वर्कडन निकालना है, बहुत छोटा सा गैप है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्कडन भी बहुत छोटा होगा, और कितना होगा देखिए डी डब्ल्यू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अच्छा वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स एंड डी आर, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब देखना पड़ेगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए एंटी पैरेलल। जब एंटी पैरेलल होंगे तो ये एंगल हो जाता है 180। तो यहाँ से जरा देखो क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा एफ डी आर कॉस 180, और यहाँ से डी डब्ल्यू निकालोगे तो मिलेगा एफ डी आर, यहाँ से एफ डी आर की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डी आर आ गया माइनस का, और आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा माइनस, देखिए क्यू नॉट ई डी आर आ गया, ठीक है यहाँ से क्यू नॉट नीचे भेज दीजिए तो क्या मिलेगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से माइनस ई डी आर, ये रिजल्ट आ गया। तो इधर से आप देख रहे हो कि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इधर से आया, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इधर से आया, ये इक्वेशन आपके पास हो जाती है टू। तो क्या लिखोगे अब, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से क्या रिजल्ट आएगा, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, डी वी इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ये मिल गया। यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये रिजल्ट यहाँ से आ जाता है, ये रिजल्ट यहाँ से आपको मिल जाता है, सॉरी ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, और आपको यहाँ से ये रिजल्ट आया इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब इससे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी है जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको ये मिलेगा कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, क्या होगा इसका वेक्टर फॉर्म, तो नोटिंग में लिखना है क्या होगा वेक्टर फॉर्म। देखिए पहले यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अब लोग हम इसके डिस्कशन आगे कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी आपके लिए कि रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करना था वो तो आपने कर लिया। अब इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि माइनस का क्या मीनिंग होता है और इससे और क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं।
तो ये रिजल्ट आपने निकाला, क्या निकाल दिया, E इज इक्वल टू आपने पढ़ लिया माइनस डी वी बाई डी आर, इज इक्वल टू आया माइनस डी वी बाई डी आर। जरा देखिए सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है नेगेटिव साइन क्या है। यहाँ पर नेगेटिव साइन से पहले ये जान लीजिए कि जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी डी वी बाई डी आर, इसको बोलते हो क्या हो, क्वांटिटी डी वाई डी आर, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या है, डी वाई डी आर को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वांटिटी डी वी बाई डी आर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डिफाइन कैसे करोगे, इसको डिफाइन करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन हो जाती है। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। दूसरी बात समझिए क्या, कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो ये चीज़ होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल हो जाता है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो होती है न्यूटन पर कूलम, तो वोल्ट पर मीटर किस क्वांटिटी की यूनिट है, तो आप बोलते हो वोल्ट पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इस बेसिस पे बोल सकते हो। तो यहाँ बोल सकते हो क्या, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर बोथ आर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज आप बता दोगे, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को हम लोग न्यूमेरिकली समझ भी लेंगे, जो भी हम प्रॉब्लम आज लेने वाले हैं आपको तरह तरह की प्रॉब्लम मिलेंगी। मैंने बताया चार तरह की प्रॉब्लम हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो अंत तक आप जब देखोगे तो आप रियलाइज करोगे बेस्ट एंड बेस्ट वीडियो है आपके लिए। इस तरह की प्रॉब्लम जो इस वीडियो में आपको मिलेंगी नॉर्मली आपको दूसरे वीडियो में नहीं मिलने वाली हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, बहुत सारे बुक्स देखने पड़ेंगी। मैंने भी क्या किया है, बहुत सारे बुक्स का अच्छा अच्छा जो मैटर है इन कंक्लूड करके आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, अब यहाँ से मैं आपको कुछ ज्ञान ऐसा जो आपको न्यूमेरिकली और फील करने में मदद करे, जिससे आपको इंटरेस्ट आए कि न्यूमेरिकल में एक्चुअली में क्या हो रहा है और आप इस टॉपिक को वहाँ पे अच्छे से इन्वॉल्व होकर समझ पाओ, तो उसके लिए दो तीन पॉइंट और मैं बताता हूँ। ये तो बेसिकली आपको बुक्स में मिल ही जाता है, ये कुछ पॉइंट और होंगे। देखिए ये फोर पॉइंट्स हो गए, अगला पॉइंट ये है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या आया, इसका वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म देखोगे तो क्या आएगा, देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी, तो मैंने डी वी लिख लिया इधर, ठीक है। ये भी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर हैं। अब दो वेक्टर क्वांटिटी के किस तरह के प्रोडक्ट से आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, श्योर हो आप, किस तरह के प्रोडक्ट से, वेक्टर प्रोडक्ट होगा या स्केलर प्रोडक्ट होगा,
आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन से कब स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इतना तो आपको आता ही होगा, नहीं है तो फिर भी आ ही जाएगा। ये है स्केलर क्वांटिटी, तो आप दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्या करिए, स्केलर प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या करिए, स्केलर प्रोडक्ट, और आपको ये वेक्टर फॉर्म मिल जाता है। तो इसका बहुत हम लोग यूज़ करेंगे, इस पर प्रॉब्लम भी देखेंगे कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए तो कैसे पोटेंशियल निकालूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो कैसे करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो कैसे करें, बहुत सारी प्रॉब्लम। और इस पर फिर हम लोग देखेंगे कि वी दिया जाए तो ई कैसे निकालें, ठीक है, वी दिया जाएगा वेक्टर फॉर्म में तो ई कैसे निकालें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे, ठीक है, इसको आप ओपन करके लिखोगे तो ये आ जाएगा माइनस ई डी आर कॉस थीटा। इतनी बात समझनी है, इसका हम लोग खूब यूज़ करने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये, इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम बनती हैं। नेक्स्ट ये बात आती है कि चार्ज अगर मूव करे, इफ़ चार्ज क्यू नॉट, इफ़ चार्ज, कौन सा चार्ज, क्यू नॉट, इफ़ चार्ज क्यू नॉट मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज थीटा इज लेस देन 90, थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 से कम हो जाए, 90 से कम होने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज मूव करे, कैसा चार्ज मूव करे, 90 से कम एंगल पे इधर जा रहा हो, ठीक है, चार्ज कैसे जा रहा हो, इस डायरेक्शन में जा रहा हो, तब क्या होता है पोटेंशियल, ज़रा देखिए, तब डी वी की क्या वैल्यू होती है, डी वी की वैल्यू देखोगे आप तो वहाँ से मिल जाएगा माइनस ई डी आर, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस्ट थीटा जब 90 से कम होता है तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे कॉस्ट थीटा आएगा और थीटा पॉजिटिव होता है, थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल डी वी क्या होगा, डी वी डिक्रीज होगा, डी वी डिक्रीज होगा। सेकेंड बात ये आती है, इफ़ Q नॉट मूव्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करे तब सिचुएशन क्या होगी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180, अगर 180 पे मूव करे तब पोटेंशियल क्या होगा, देखिए पोटेंशियल डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डी आर कॉस 180, और 180 होता है माइनस वन, उस बिहाफ पर ये आ जाएगा प्लस ई डी आर, ई और डी आर की जो भी वैल्यू होगी उनके मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा, पोटेंशियल इन, पोटेंशियल क्या करेगा, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस पी डी इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, करेक्ट, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, ज़्यादा अच्छा सा रहेगा, पोटेंशियल इंक्रीजेस, ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में वन बाय वन मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है कि अगर मैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाऊं तो क्या होगा, इफ क्यू नॉट मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करे तो क्या होगा, थोड़ा मैं इसको सीधा लिख दूं, इफ क्यू नॉट मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए इसका मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू जीरो होने का मतलब डी वी इज इक्वल टू आएगा माइनस ई डी आर कॉस जीरो, मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, अभी क्या आया कॉस जीरो, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, तो क्या आएगा माइनस ई डी आर, इसका मतलब होगा पोटेंशियल डिक्रीजेस बट उसका रेट ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया हेंस
पोटेंशियल डिक्रीजेस डिक्रीजेस एट मैक्सिमम रेट। जो पोटेंशियल डिक्रीज होने का रेट होगा वो ज़्यादा होगा कब, जब हमारा चार्ज मूव करे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तीन सिचुएशन आपने पढ़ी और हम इस पर अब लेने जा रहे हैं वन बाय वन प्रॉब्लम। ओके, तो इसको आप नोट करिए। तो पहली प्रॉब्लम हमारी होगी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि कैसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रॉब्लम बनती हैं। मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ इस फॉर्मूले पे फोकस करना है, क्या E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, इसी का वेक्टर फॉर्म लिख लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा दैट इज डी वी इज इक्वल टू आएगा माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या इसी को लिखोगे माइनस ई डी आर कॉस थीटा। ये आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, इतने से आपकी सारी प्रॉब्लम बन जानी है। ठीक है, देखते हैं पहली प्रॉब्लम मैंने क्या ले ली। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई की वैल्यू दे दी मैंने 20 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। ये वाला भी 0.5 सेंटीमीटर पे है, ये है ए पॉइंट, ये वाला हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। तो ए पॉइंट को ज़रा देखिए, ए पॉइंट का जो पोटेंशियल, ए पॉइंट का मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। लिख देता हूँ फाइंड वी बी वी सी। आप फाइंड करोगे वी बी एंड वी सी, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ए बी और ए सी के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है और यहाँ का पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल एट ए इज वी ए इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ये गिवन है। अब आपको प्रॉब्लम देखना समझ में आया, कैसे समझोगे प्रॉब्लम, हमको फील कराना है आपको कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप जाओगे तब आपका पोटेंशियल डिक्रीज होने का रेट मैक्सिमम होगा, और जब अपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल आपका इंक्रीज कर जाता है। इस चीज़ को फील करिए। हमने कहा फॉर्मूला मुझे यही यूज़ करना है। हम बात करते हैं किसके लिए, ए टू बी के लिए। मैंने लिखा सॉल्यूशन फॉर ए टू बी। ए टू बी की बात करोगे तो क्या आएगा, डी आर तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या आया डी आर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ देखोगे तो क्या आएगा 5 × 10⁻²⁪ मीटर हो गया, ठीक है। अब हमने यूज़ किया क्या, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस 0। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं डी आर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो इसकी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो डी आर है वो भी उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी उधर है, दोनों हो गए सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से केवल आएगा माइनस ई डी आर। तो यहाँ से डी वी की वैल्यू क्या आ गई, डी वी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। ये डी वी क्यों लिखूँ, मुझे तो ये लिखना है कितना वी बी माइनस वी ए। डी वी का मतलब दो पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। इस कंसेप्ट को आपको रियलाइज करना है। फिर क्या होगा, देखिए अब हुआ क्या, यहाँ से ई की वैल्यू कितनी 20, ओके, और आपको क्या दे दिया गया डी आर की वैल्यू 5, तो 5 × 10⁻²। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100। अच्छा, ये हुआ 100 × 10⁻², तो 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, ये आया कितना 1 वोल्ट। अच्छा, वी बी कितना होगा, वी बी हो जाएगा वी बी माइनस 10 इज इक्वल टू हो गया 1, तो वी बी की वैल्यू आ गई कितनी
एल ए यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ माइनस है, सॉरी ये माइनस, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो यह आया माइनस वन, तो यहाँ से आया टेन और माइनस का वन, ये हो जाएगा नाइन वोल्ट। तो आपको ये रियलाइज़ भी हो गया कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाने पर हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर मैं बात करूँ किस पॉइंट की, मैं बात करूँ पॉइंट ए टू सी की, अगर आप इधर जाओगे तो क्या होगा और इधर जाओगे तो क्या होगा, तो फॉर ए टू सी देखोगे तो डी वी, ए टू सी जा रहे हो तो क्या आ जाएगा, ए टू सी में जाओगे तो यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई डी आर कॉस 180 होगा। 180 क्यों होगा, इस बात का आपको अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि आप जा इधर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर दिया जा रहा, इसका मतलब यहाँ से आ गया ये माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस ई डी आर। अब यहाँ से वैल्यू पुट करोगे वी सी माइनस, ये 10 वोल्ट है और ई की वैल्यू हो गई कितनी 20 इंटू डी आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 5 × 10^-2, तो यहाँ से ये इजिली सॉल्व होके आया, ये आ जाएगा 100 और यहाँ से आया कितना 1 वोल्ट और ये हो जाएगा वी सी इज इक्वल टू 11 वोल्ट। तो आप देख रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर आपका जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, इन द डायरेक्शन आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी जिसपे आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। मैं लेता हूँ दूसरी प्रॉब्लम, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैंने दूसरी प्रॉब्लम बनाई, वो भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की ही लेने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैंने क्या लिया कि आपके पास ई दे दी मैंने, ई इज इक्वल टू 20 i² न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। हमें क्या मालूम है, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए 2, 3 इज 10 वोल्ट। हमने मान लिया हमारे पास कोई पॉइंट 2, 3 है, वो ए है, उस पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट। फिर क्या लिया मैंने, फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल एट बी, बी कितने पे है, मान लो हमने ले लिया 4, 6, इस पर आपको ये निकालना है वी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो निकल आना चाहिए, क्योंकि ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। यहाँ से एक नई प्रॉपर्टी आपको समझ में आने वाली है। अब आप सोच रहे हो कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है बताता हूँ आपको। देखिए पहले आप इसका फिगर बनाने की कोशिश करिए, तो फिगर बनाओगे तो क्या आया, देखिए ये हो गया 1, 2, 3, 4, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा, तो 2, 3 का मतलब कहीं यहाँ पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपके पास ए। आप जरा देखिए, फिर दूसरा पॉइंट है आपके पास 4, 6, 4 ये है और 6 कहीं ये, तो इसका मतलब कहीं यहाँ पे आ जाता है, तो ये है आपके पास 4, ये हो गया पॉइंट बी। अब इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, दोनों में जो आपको बेस्ट लगे वो कर लीजिए। एक तो ये कि आप इधर गए और ये, इसका पॉइंट आपको मालूम, ये भी पॉइंट मालूम है, ये वाला है आपके पास 2, 3, ये वाला है 4, 6 और ये वाला हो गया 4, 3। तो ये तो तुमको मालूम हो ही जाएगा कि यहाँ से डी आर कितना आ जाएगा, डी आर आ जाएगा 3। ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में है। अच्छा अभी कितना आया यहाँ से, इधर वाला डी आर देखोगे इसके बीच का डी आर, तो ये डी आर मिल जाएगा आपको 2 से 4, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो आपको डी आर दोनों डायरेक्शन में मिल गया। एक चीज़ और भी फील करो, ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, ई किधर है, ई इस साइड में है क्योंकि आई कैप लिखा हुआ है। अब जरा देखिए, जो ये एंगल है वो लेस देन 90 है। अब लेस देन 90 है तो क्या होगा, ए से जब बी पे जाओगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा, लेकिन उसके डिक्रीज होने का रेट थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाते तो पोटेंशियल डिक्रीज होने का जो रेट होता वो मैक्सिमम होता। ये मैंने आपको स्पेशल पॉइंट्स में क्लियर किया हुआ है, जब मैंने फार्मूला डिराइव कराया उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स बताए, उसमें से एक था जब चार्ज क्यू नॉट मूव्स करता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट लेस देन 90। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए, एक तो तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ
इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमको मालूम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अब कंजर्वेटिव नेचर का क्या मतलब हुआ, बहुत सिंपल है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब ये होता है कि किसी भी रास्ते से आओ फर्क नहीं पड़ता। मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप इधर से निकालिए, इसका नाम दे दीजिए कितना, इसका नाम दे दीजिए सी, आप ए सी का पोटेंशियल प्लस बी सी का पोटेंशियल बता दीजिए, वो हो जाएगा ए बी का पोटेंशियल, ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। ओके, पहले करते हैं इस फॉर्मूले से। तो क्या हो गया, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो मैंने लिखा क्या, लिखा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, या ऐसा लिख दिया ई डॉट डी आर, और फिर इसको लिखा माइनस ई डी आर कॉस थीटा, क्लियर। अब देखिए जो डी वी है, ये डी वी, अब इस डी वी को डी वी मैंने लिखा रहने दिया, अब ये वाला फॉर्मूला एक बार इसमें लगाइए एक बार इसमें लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या आया, पहले इसमें लगाइए ए टू सी में लगाइए, ए टू सी में लगाओगे क्या आएगा, थीटा की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो। ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा ई डी आर, ई डी आर कॉस कॉस जीरो, कॉस जीरो आया। अगला इसमें लगा दीजिए ई डी आर कॉस 90 हो जाएगा, बी सी के लिए कॉस 90 हो गया, तो ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा जीरो हो गया। बचा क्या, यहाँ डी वी को क्या ले सकते थे, डी किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी का, तो इसका मतलब हो गया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई, ई की वैल्यू कितनी 20, डी आर की वैल्यू कितनी, डी आर की वैल्यू ए टू बी कितना 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट क्या मिल गया, यहाँ से आपको रिजल्ट आ गया, देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 400 माइनस 400 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा सिर्फ माइनस का 4, और ए पे मालूम है तो वी बी माइनस वी ए 10 है, और आगे उधर कितना माइनस 4, तो वी बी इज इक्वल टू हो गया माइनस, उधर जाएगा तो माइनस का 4 प्लस 10, यहाँ से आया 6 बोल्ट। तो यही चीज़ मैं आपको फील करा रहा था, इन द डायरेक्शन जो ये थीटा है, थीटा वो 90 से कम है, इसका मतलब पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, यहाँ एक दूसरा कंसेप्ट भी यूज़ होता है, ज़रा देखिए, जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, क्यों होगा उसको ज़रा आपको मैं फील कराऊँ, उसका तो मैं आपका थोड़ा सा फीलिंग यही दे सकता हूँ। देखिए, आपको ये पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी हैं तो अगर दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम लाइन पर लाइज करें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एक सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, और इस ये जो दोनों पॉइंट हैं बी और सी, ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट बी है, तो ये बी पॉइंट और ये पॉइंट सी दोनों एक ही लाइन में हैं, एक ही सरफेस पे हैं, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल सी का होगा वही पोटेंशियल होगा बी का। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच होगा। तो आप ये लिख सकते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब कैसे समझाना है, और ज़रा देखो, ए और बी के बीच है तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आ गया, यहाँ से क्या निकलेगा, ये में निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए, सी एंड ए। अब इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है,
इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो निकलेगा कैसे, वो निकलेगा इस तरह से माइनस ई डी आर कास जीरो से, कास जीरो की वैल्यू वन होती है तो ई डी आर आ जाएगा, तो यहाँ से वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का कितना था माइनस 20 था और डी आर की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो 2 इंटू माइनस 10 की पावर 2 हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 400 आएगा, दो जीरो कट जाएंगे तो यहाँ से माइनस 4 आएगा और आपका वी ए की वैल्यू कितनी है, वी ए की वैल्यू है 10, वी ए की वैल्यू कितनी, वी ए की वैल्यू दी गई है 10, तो वी बी इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा माइनस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ तक ये रिजल्ट समझ में आ जाएगा। मुझे लग रहा है आप कोई भी कंसेप्ट यूज़ करिए, दोनों ही कंसेप्ट आपके लिए यूज़फुल हैं। तो यहाँ तक की प्रॉब्लम ये हो जाती है। अब मैं एक प्रॉब्लम और आपको बेस्ट एंड बेस्ट करा देता हूँ जो इसी से कनेक्ट प्रॉब्लम है, ओके। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम अपने आप में यूनिक है जब आप करने जा रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो आपके पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी जा रही है वो है ई इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम, इसको मैं लिख देता हूँ आई कैप न्यूटन पर कूलाम, ये वैल्यू दे दी गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक। तो ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, ये आपको दिया जा रहा है 3 सेंटीमीटर और ये आपको नहीं दिया जा रहा, ये है ऐसा, ठीक। बहुत आसान है, आप इस प्रॉब्लम को, अब मैंने आपको दो तरह से सिखा दिया है, ये बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर होता है और दूसरा भी तरीका सिखाया है, दूसरा तरीका सिखाया है, सिर्फ फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए। पहले मैं आपको सिखाता हूँ क्या, पहले सिखाता हूँ कि कंजर्वेटिव इन नेचर से लगाएंगे, कैसे लिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर, इसका मतलब क्या हो गया, इसके बीच निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ का निकाल लीजिए। देखिए ये 5 है 3 है तो ये होगा 4 सेंटीमीटर, सबको मीटर में चेंज कर लीजिए। देखिए इसको चेंज करोगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर आएगा, इसको चेंज करोगे तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर आ जाएगा, ये मिल गया। अब ज़रा देखिए, सिंस आपको फाइंड करना था, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी ये आपको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी निकालना है, तो कैसे निकलेगा वो देखिए। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव नेचर का मतलब ये होता है कि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी बी माइनस वी ए प्लस इधर का पोटेंशियल डिफरेंस वी सी माइनस वी बी, आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये निकालना है प्लस ये निकालना है। देखिए वी बी माइनस वी ए निकालने का क्या तरीका है, वी बी माइनस वी ए निकालने का तरीका है यहाँ पर माइनस ई, देखिए इसके बीच की बात कर रहा हूँ, ई डी आर और इनके, देखिए जो डी आर होगा डी आर, वो डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए यहाँ पर ई डी आर कॉस जीरो होगा। इसके लिए क्या बात करोगे, ये देखो डी आर इधर आ जाएगा, ये डी आर जो वेक्टर है वो नीचे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हो गया, ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, डी आर वेक्टर नीचे हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। इनके बीच एंगल 90 आ गया, 90 आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ तो रहेगा माइनस, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस होता है, ये माइनस ई डी आर कॉस कॉस 90, ये हो गया कॉस 90 होते ही ये जीरो हो गया, इसका मतलब यहाँ से कितना आया माइनस ई, ई की वैल्यू कितनी 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डी आर की वैल्यू कितनी
डी आर की वैल्यू ये तो होगी नहीं, इसके लिए तो पूरा टर्म जीरो ही हो गया है। इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा कितना, डी आर की वैल्यू फोर, फोर इंटू टेन की पावर माइनस टू, ठीक है, और वन हो गया, इसका तो पूरा जीरो ही हो चुका है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, देखिए फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी एक जीरो बचेगा, माइनस का 200 वोल्ट आ जाएगा। ये निकला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इसके बीच, देखो ये वाला प्लस ये वाला ऐड किया तो ये मिल जाता है। एक तो तरीका ये हो गया कि आपको वी सी माइनस, सॉरी ये वी सी माइनस वी ए था, क्या था, वी सी माइनस वी ए, एक तो ये निकाल आया पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, दूसरा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए आप यहाँ पर सीधे सीधे ये मान लेते कि इक्वी पोटेंशियल कैसे है। देखिए इसका पोटेंशियल वही होगा जो इसका पोटेंशियल होगा, क्योंकि आप ऐसा एक सरफेस एज्यूम कर सकते हो, ये एक बन जाएगा क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये सरफेस कैसा हो गया, ये हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस से अगर समझना चाहते हो तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत आसान लगेगी। बहुत आसान का मतलब ये हो जाता है, इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका हो, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। इसका मतलब है इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो ए बी के बीच का पोटेंशियल होगा। तो आपको लिखना क्या है, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल वही होगा जो ए और सी का होगा। अब ए और बी का पोटेंशियल कितना होगा, उसके लिए माइनस ई डी आर लगा दीजिए, ई डी आर कॉस थीटा। तो आप देखोगे इसके बीच के लिए क्या आएगा, इसके बीच के लिए आएगा, यहाँ पे आया है कितना, ये आया है ई की वैल्यू 5 10 की पावर 3, डी आर की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, डी आर भी इधर है ई भी उधर है, इसका मतलब कितना आया, इसका मतलब डी आर यहाँ पे आएगा कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो 1 हो जाने का मतलब कितना आ गया, माइनस 200 वोल्ट। यहाँ से भी एक रिजल्ट आपको सेम मिल जाता है। तो आप चाहे इस पैटर्न को फॉलो करिए, ये आपके पास सेकंड मेथड है, ये आपके पास सेकंड मेथड है, और ये आपके पास फर्स्ट मेथड है। जो आप अप्लाई करेंगे दोनों ही मेथड आपके लिए यूजफुल हैं और आसान भी हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये प्रॉब्लम तो थी किसके लिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हम लोग अच्छी सी प्रॉब्लम लेते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो ये देखेंगे, ये जो प्रॉब्लम है फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, ये दोनों ही प्रॉब्लम रिलेटेड हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उसमें तीन प्रॉब्लम ली, और तीनों के तीनों प्रॉब्लम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड थी। ज़रा इसको देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि ई आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया गया, अभी वेक्टर फॉर्म में था बट वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैंने सिंगल सिंगल लिया था 20 न्यूटन आई कैप, यहाँ पर मैंने क्या लिया 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, और दिया जा रहा है आपको पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए आप सपोज कर लीजिए कितना, एट पोटेंशियल ए इज 10 वोल्ट, इतना आपने सपोज कर लिया। अब आपको बी पे निकालना है, एट बी निकालना है, तो आपको वी बी फाइंड आउट करना है, कितना वी बी की वैल्यू क्या होगी ये आपको रिजल्ट बताना है। तो कैसे करना है ज़रा देखिए, जो ये इक्वेशन थी डी वी इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा ये था, अब इसी को ये लिख सकते थे, तो मैंने क्या लिखा सॉल्यूशन। हमने ये समझा कि जो डी वी होता है यहाँ पर माइनस ई डॉट डी आर, अब जब हमको कांस्टेंट में होता था तो हम डायरेक्टली ये इक्वेशन लगा लेते थे, जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मुझे ये नहीं लगाना है, मुझे इसका इंटीग्रेशन पार्ट लगाना है। कैसे इंटीग्रेशन करोगे, ये डी वी आएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे
ई डॉट डी आर आएगा। अब ये क्या होगा, यहाँ होगा ये आर वन और ये वाला होगा आर टू, तो आर वन से आर टू आपको इंटीग्रेट करना है। डी आर वेक्टर वहाँ यहाँ पर क्या होगा, वेयर डी आर वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, ये आ जाएगा जहाँ डी वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो जाएगा वी वन से, ये हो जाएगा वी टू, तो ये आ जाएगा वी टू माइनस वी वन, और यहाँ पे आ जाएगा ये आर वन से आर टू, और ये हो जाएगा ई डॉट डी आर। तो ये इस फॉर्मूले को आपको अब यूज़ करना है, इसको मैंने आपको टार्च बना दिया, इसका यूज़ करना है। क्या करना है ज़रा देखिए, यहाँ से जो डी आर होगा, सिंस डी आर की जो वैल्यू होगी वो डी एक्स आई कैप, मैं नीचे लिख देता हूँ, वेयर डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये आपको मिल जाता है। इस तरह की इक्वेशन में आपको ये यूज़ करना है। अगर टू डायमेंशन है तो डी एक्स और डी वाई तक यूज़ करोगे, थ्री डी में दिया गया है तो आपको फिर जेड तक यूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर केवल एक्स और वाई में दिया गया है तो आप यहाँ तक यूज़ करोगे, लेकिन याद रखोगे कि जो डी आर होता है वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप डी जेड के कैप होता है। अब इसको अप्लाई करिए, देखिए बी पर पूछा जा रहा है, तो ये हो गया वी बी, वी वन को हमने मान लिया ये वी ए, तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, वन कामा वन से है टू कामा टू तक, क्लियर। अब ये कुछ भी हो सकता था, हो सकता था कि वन कामा वन ना देते, ये क्या दे देते, यहाँ पे वन कामा वन ना दे करके यहाँ पे लिखा जाता जीरो कामा जीरो दे देते, मतलब ये पोटेंशियल कुछ भी, ये पॉइंट और पोटेंशियल कुछ भी हो सकता था। ये आपको देखना है कि ठीक है जो भी पॉइंट दिया जाता है यहाँ पे जीरो जीरो, तो जीरो जीरो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, जीरो जीरो से यहाँ तक, तो यहाँ लिख देते। अभी क्या आने वाला है, ई डॉट डी आर, जरा देखिए ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू ट्वेंटी आई कैप प्लस थर्टी जे कैप डॉट, अब ये आई और जे में है तो डी आर भी आई और जे में आएगा, तो यहाँ से आएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब आपको यहाँ से सेपरेशन देना है, सेपरेशन का मतलब ये हो गया वी बी तो निकालना था और वी ए की वैल्यू 10 है, 10 रख दिया। अब देखिए तो 20 का आई के साथ करोगे, आई आई हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 20 डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स की लिमिट है 1 से 2, तो 1 से 2 इसकी लिमिट हो गई। आगे क्या आया, यही वाला इसके साथ जाएगा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 1 से y की लिमिट कितनी है, 1 से 2, y की लिमिट बाद वाली है, पहले वाली है x की लिमिट। अभी क्या हो गया, यहाँ देखिए 30 y के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डी वाई, ये रिजल्ट आ जाता है। अभी इसको समझने के बाद, अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पे 20 बाहर आ जाएगा, 20 क्या आ जाएगा बाहर, तो 20 बाहर आएगा तो आप इसको क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे माइनस 20। अब डी एक्स का क्या हो जाएगा, अभी आप डी एक्स का क्या लिखने वाले हो, अभी आप डी एक्स का लिखने वाले हो, यहाँ से देखिए डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स और यहाँ आएगा 1 से 2 माइनस 30 बाहर आया, 30 बाहर आ गया। अब बचा अंदर डी वाई, डी वाई का होता है वाई, तो वाई आ गया, अभी यह हो गया 1 से 2 हो जाता है, 1 से आपको 2 मिल गया। अभी और क्या आसानी से समझ में आने वाला है, ज़रा ये भी देख लीजिए, यहाँ से क्या हुआ कि एक्स जो है पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, तो ये हो क्या जाएगा, ये रिज़ल्ट ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा वी बी माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 20, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 माइनस का 30, अंदर से आएगा 2 माइनस 1, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिज़ल्ट आया, माइनस का 20 आया, माइनस का 30 आया, यहाँ से माइनस का 50, यहाँ से वी बी माइनस 10, तो वी बी की वैल्यू निकल आई, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 50 प्लस 10, इसका मतलब आया माइनस का 40 वोल्ट, ये आपका
रिजल्ट आ जाता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या हो सकता था कि आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता कि पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पूछ लेते, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछ लेते तो क्या यहाँ पे आता कि आपको फिर ये बोल्ड वैल्यू ना देते, ये बोल्ड ना देते, ठीक है। अभी क्या निकाल पा रहे हो आप, पर्टिकुलर ई की वैल्यू दी गई तो आपने पोटेंशियल काउंट कर लिया। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक पॉइंट ए होता, उस पर आपको पोटेंशियल नहीं मालूम लेकिन पॉइंट मालूम है। फिर तो यहाँ पोटेंशियल अगर नहीं मालूम है तो वी ए रहता, पॉइंट मालूम था, पॉइंट कितना था 1.1। तो इस तरह से करके आप इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकाल सकते थे। तो ये हो गया आपका ये प्रोसेस, हमको सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ करना है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए इसको नोट करिए, आप हटा दो इसको। अब मैं देखिए होता क्या है कि मुझे तो सिर्फ चाहिए क्या, मुझे चाहिए था ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आता है। इस फॉर्मूले का इसमें ई दिया गया है और क्या दिया जा रहा कि एक पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है। कहाँ पर, एज्यूम्ड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो। आप समझिए इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से पॉइंट। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है। तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास पॉइंट बी आया, बी बी क्या है, बी एक्स पे है, माइनस वी कहाँ है, एक पॉइंट इन्फिनिटी पे है। तो एक पॉइंट पे निकालना है और ये इन्फिनिटी पे है, ठीक है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, वो हम रख देंगे अभी। आगे क्या हुआ, माइनस यहाँ आर वन, आर वन का मतलब, आर वन का मतलब कहाँ, इन्फिनिटी, आर वन का मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट कहाँ है, x पे, तो ये हो गया r2। आगे क्या आया, e, e आया, आगे डॉट dr। अब मुझे क्या करना है, e और dr की वैल्यू पुट करनी है। देखिए तो vb इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो चुका था तो जीरो लिख देता हूँ, माइनस ये आया इन्फिनिटी से x, e की वैल्यू कितनी है, a अपॉन x क्यूब, और ठीक है ये आई कैप है, ये आई कैप, डी आर अब केवल आई वाला रखना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा डी एक्स आई कैप। अब आपको दूसरा वाई और जेड वाला नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, यहाँ से आई आई वन हो गया, ये हो गया डी एक्स, ए बाहर आ जाएगा, ए बाहर हो गया, अंदर बच गया कितना, एक्स की पावर माइनस थ्री डी एक्स। इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आ रहा है केवल वी बी, यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना माइनस ए। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लगेगा आपको, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है एक्स की पावर एन डी एक्स, ये हो जाता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। लेकिन यहाँ पर लिमिट दी हुई है इसलिए सी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है तो सी लिखना पड़ता है। तो आप माइनस थ्री में एक ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, जाके यहाँ पे आ जाएगा x की पावर माइनस टू, नीचे आएगा माइनस टू। लिमिट कितनी दी है, इन्फिनिटी से x दिया गया है, इन्फिनिटी से x। तो क्या हो जाएगा, माइनस टू बाहर लाओगे तो ये हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू ए बाई टू, ए बाई टू, और यहाँ कितना हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया x। अभी इसकी वैल्यू पुट करिए, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो वी बी की वैल्यू क्या आने वाली है, वी बी की वैल्यू आएगी ए अपॉन टू, यहाँ से ज़रा देखिए ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाएगी। तो ए बाई टू अपॉन ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, ले दे के आपको आंसर मिला ए अपॉन टू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपको आंसर देना होता है। ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम छोटे से दो क्वेश्चन और आपको स्पेशली समझाते हैं, जब आपको पोटेंशियल गिवन हो और उस कंडीशन पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, नोट करिए इसको। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिवन है,
हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए दोनों में डिफरेंस है, कंपोनेंट के बाद आता है मैग्नीट्यूड, तो हम पहले मैग्नीट्यूड निकालना सीख ले रहे हैं, कंपोनेंट निकालना भी आपको सिखा देंगे। बहुत टफ नहीं है ये, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। अभी तक की जो प्रॉब्लम हुई उनमें हम लोग लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अब समझने वाले हैं कि पोटेंशियल अगर हमें दे दिया जाए इस फॉर्मेट में, ठीक है, इस फॉर्मेट में दे दिया गया और एक्स वाई जेड में कह लीजिए, तब आपको कैसे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका मतलब आपको चाहिए ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये निकालना है। और ये होता क्या है, ई वेक्टर इज इक्वल टू होता है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये होता है। पहले ये निकाल पाओगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल पाएगा। अब ये समझिए कि कैसे निकलेगा ये ई एक्स। अब होता क्या है, ई एक्स का मतलब हो जाता है डेल वी नेगेटिव। आप देखिए फॉर्मूला क्या था, डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है डी वी बाई डी एक्स। अभी आपके लिए थोड़ा नया है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए डी वी बाई डी एक्स इसका मतलब क्या हुआ, माइनस लगा था मैंने लगा लिया, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। एक्स में करोगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, देखिए एक्स का करोगे तो एक्स का वन हो जाएगा। पहले तो माइनस फाइव बाहर कर लीजिए, माइनस फाइव बाहर आ गया, एक्स का हो गया वन, ठीक, वाई का जीरो, जेड का जीरो, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, इसका मतलब ये टर्म जीरो, अगला वाला टर्म जीरो, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया फाइव। ये हमें निकल आया ई एक्स की वैल्यू। सिमिलरली आपको पता करना है कि ई वाई कितना होगा, तो ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई। अब डिफ्रेंशिएट करना है पार्सली वाई के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब एक्स का जीरो जेड का जीरो। कैसे, देखिए माइनस आपने लगा लिया, अब इसका करोगे तो ये पूरा का पूरा जीरो, इसमें वाई नहीं है, इसका करोगे तो प्लस थ्री आ जाएगा और वाई का वन हो गया। फिर जेड वाले में वाई नहीं है, इसका मतलब पूरा टर्म जीरो हो गया, मल्टीप्लाई करोगे माइनस थ्री आ जाएगा। अगला समझिए ई जेड, ई जेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। अब की बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जेड नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो माइनस लगा रखा है, पहले माइनस का है जीरो, दूसरा जीरो, इस वाले में क्या रूट 15 बाहर हो गया, तो रूट 15 हो गया बाहर और जेड का हो गया वन, तो ये आया कितना माइनस रूट 15, तो ये वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को ई एक्स को ई वाई को ई जेड को यहाँ लिखिए। नाउ जो ई वेक्टर आया वो क्या आया, ई एक्स की वैल्यू 5 आई कैप, फिर वाई की वैल्यू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री जे कैप, जेड की वैल्यू रखेंगे माइनस रूट 15, ये आ गया के कैप। इस तरह से आपने निकाल लिया, ये थे कंपोनेंट, और उसके आगे एक स्टेप बढ़ गए तो निकल आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इन एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स, ठीक है, इन एक्स वाई जेड क्या है आपके पास, ये था पोटेंशियल इन एक्स वाई जेड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट कितना है माइनस रूट 15, माइनस रूट 15 इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये वैल्यू यहाँ से मिल गई कितनी 25 प्लस 9 और ये कितना हो गया प्लस 15, तो ये हो गया कितना, ये भी हो गया 25, ये 25 कितना हो गया 50, और 50 को हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 5 रूट 2 कितना, देखिए सॉरी, ये हो गया आपके पास
49 आ गया, ये आया कितना 49, ये आया 7, 7 यूनिट यहाँ से मिल जाता है। देखिए होगा क्या, इसका करोगे तो आप 24 आएगा, 25 और 24 ऐड करोगे तो 49 आता है, तो यहाँ पे 7 यूनिट मिल जाता है। सिमिलरली जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी सेम वैसे ही करना है। यहाँ क्या है, वी आपको गिवन है ये, तो आपको कंपोनेंट निकालने हैं, निकल आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, पहले आप निकालेंगे ई एक्स। ई एक्स कैसे निकलता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स से। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए पार्शली, पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या, पहले माइनस लगा लीजिए, इसका करोगे तो क्या, 10 तो बाहर ही है, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 2 आगे आएगा, 2 माइनस 1, तो ये हो गया कितना 2x। फिर इसका कुछ होगा नहीं, 0, इसमें x है नहीं, 0, तो आपको ex की वैल्यू मिल गई यहाँ से कितनी, माइनस 20x। क्लियर हुआ। अब करिए y के रिस्पेक्ट में, जरा देखिए ये निकला आपका ex, दूसरा निकालिए ey, ई वाई निकालोगे तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई आएगा। अब देखिए इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें वाई है नहीं, माइनस जीरो हो गया। इसका कितना होगा, फाइव बाहर आया, फाइव लिख दिया मैंने, और वाई स्क्वायर का हो गया टू वाई। ठीक है, अगला जीरो होगा, अगला क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं। ठीक है, अभी क्या आने वाला है यहाँ से, अभी आने वाला है ये ई वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस, यहाँ से कितना आएगा देखिए, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 10y आ गया। क्लियर हो गया, ये ई वाई निकल आया। अब आपको निकालना है कैसा, ई जेड, तो ई वाई ई जेड की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। इसको जेड के रिस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंशिएट तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, केवल इसका होगा, तो 0 प्लस 0 माइनस, ये हो जाएगा 6z। तो यहाँ से कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखिए ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 6z। अभी आपको ई जेड मिल गया है 6z, ई वाई मिल गया है, तो आपको कंपोनेंट निकल आए हैं। अब इन जरा कंपोनेंट में जरा देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। वैल्यूज पुट कर दोगे तो कंपोनेंट निकल आएंगे आसानी के साथ, माइनस 220 इंटू 1, तो ये कितना हो गया माइनस 21, तो यहाँ से आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये मीटर में है इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई जो आएगा ये वोल्ट पर मीटर में आ जाएगा, या तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कोलाम इंटू मीटर स्क्वायर लिखिए या फिर वोल्ट पर मीटर लिख दीजिए। ये इसको क्या करोगे, वाई की वैल्यू 2 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 10 इंटू 2, ये आएगा माइनस 20 वोल्ट पर मीटर। इसका देखिए क्या आएगा, 6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 आ गया, ये आ गया 18 वोल्ट पर मीटर। तो आप देख रहे हो आपको आसानी से समझ में आ रहा, केवल एक ही चीज़ करनी पड़ रही है, वो भी है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसको नोट करिए, हम लोग 2 स्पेशल प्रॉब्लम करेंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे। ये आपके पास फिगर वाइज क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में या जेई में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, और स्टेट बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बट बेसिकली ये जो क्वेश्चन है तो ये नीट एंड जेई के लिए। ओके, समझते हैं कंसेप्ट क्या होता है। तीनों क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही काम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आपको इस डेरिवेशन की डेप्थ को समझना होगा। क्या है डेरिवेशन की डेप्थ, नेगेटिव साइन क्या बताता है, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होगा वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीन सरफेस है और तीनों सरफेस की अपनी अलग अलग रेडियस है और अलग अलग पोटेंशियल दिया जा रहा है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिक्रीज किधर हो रहा है, इनसाइड की आउटसाइड। तो आप देख रहे हो कि इस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। आपको डायरेक्शन मिल गई, क्या मिल गई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? रेडिली आउटवर्ड हो गई, रेडिली आउटवर्ड हो गई। अब आपको पता करना है कि क्या होगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए किसी भी सरफेस को ले लीजिए आप, किसी भी सरफेस का पोटेंशियल मालूम है आपको, तो क्या होगा? मैं अगर बात करूं यूजिंग V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो जरा देखिए, आपको पोटेंशियल किसी भी सरफेस पे निकालोगे तो कितना आएगा, जरा देखिए यहाँ से कि आपको के क्यू की वैल्यू मिल जाएगी वी आर। कैसे मिलेगी जरा देखिए, V मालूम है अगर 60 वोल्ट के लिए, किसके लिए बात करूँ, 60 वोल्ट के लिए, तो क्या आएगा के क्यू की वैल्यू 60 वोल्ट के लिए कितनी आई? यहाँ मैं लिख देता हूँ के क्यू इज इक्वल टू वी आर आया, तो आएगा फॉर 60 वोल्ट। तो यहाँ से के क्यू इज इक्वल टू, देखो 60 के लिए 60 इंटू आर, 60 के लिए आर कितना है, 60 के लिए आर 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या आएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, कितना आ गया जरा देखिए 10। अब यहाँ से ये हो जाएगा कितना, देखिए 10 100 हो गया, तो यहाँ से आ गया कितना 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। अब के क्यू की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप ले लो इसके लिए, किसके लिए, फॉर 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट के लिए चेक कर लीजिए, हो सकता है आप 30 वोल्ट के लिए लेते तो के क्यू की वैल्यू 30 वोल्ट के लिए कितनी आएगी, 30 इंटू, और 30 के लिए आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो भी 6 आ जाता। फिर अगर ऐसे ही लेते किसके लिए, फॉर 20 वोल्ट, तो के क्यू की वैल्यू देख रहे हो आप कितनी आती, 20 इंटू ये हो गया 30, 10 की पावर माइनस 2, अगेन 6। तो आप देख रहे हो के क्यू की वैल्यू आपको हर बार सेम आ रही, कोई भी सरफेस आप एज्यूम कर लीजिए, कोई भी सरफेस ले लीजिए। अब जरा निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिर्फ ये फॉर्मूला होता है। के क्यू आपको मिल गया, के क्यू आप कोई भी सरफेस अगर लिए होते, आप सरफेस 30 वोल्ट लिए होते तो भी के क्यू वही आ रहा, 20 वोल्ट लिए होते तो भी के क्यू वही आ रहा। इसका मतलब कोई भी सरफेस लेके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो आपका आंसर करेक्ट होता, कितना आता 6 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाता वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाता है। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, वो निकाल दिया, डायरेक्शन आपने बता दी, आउटवर्ड हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ से निकालोगे इस प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या देना है कि एक आपको सरफेस बना दिया गया, ये भी सेंटीमीटर में, एक्स एक्सिस भी, जो डिस्टेंसेज हैं इनकी बीच के जो डिस्टेंसेज है वो 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर है, सब 10 सेंटीमीटर है। जरा देखिए पोटेंशियल पहले किधर ड्रॉप हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ये सब क्या है, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पर क्या होगा, इस सरफेस के नॉर्मल होगा, तो इस सरफेस के जरा नॉर्मल ड्रा करिए, इस सरफेस के ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, इनके नॉर्मल ड्रा करोगे तो कुछ लाइन ऐसी आ जाएगी। अब जरा देखिए, सोचिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि इधर होगा, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए पोटेंशियल इधर बढ़ रहा, ऊपर की ओर घट रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, नीचे की ओर डायरेक्शन नहीं होगी, एक बात समझ में आई। अब क्या करना है, तो इनके बीच में जरा देखिए पोटेंशियल का ड्रॉप कितना है, इनके बीच में जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो आया है कितना 60 वोल्ट, तो यहाँ से डी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 वोल्ट आ जाएगी, ठीक। अब जरूरत पड़ती है कि ये क्या होता है, ये होता है डी आर, क्या होता है, ये होता है डी आर, तो डी आर कैसे निकाला जाए। डी आर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये एंगल आपको पता हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा, ये 37 है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये एंगल 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53 हो गया।
तो यहाँ पर 53 एंगल आ जाता है। जब 53 आ गया तो ज़रा देखिए, 53 आ गया, आपको DR ही निकालना है। क्या निकालना है? DR। ये है उस पर 90 डिग्री, आपको ये साइड मालूम है, तो इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में आप लगा लीजिए, कौन से ट्रेंगल? ये ट्रेंगल जो आपका बना है, इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में आप लगा लेंगे cos 53। क्या लगाएंगे? cos 53। अब cos 53 की वैल्यू क्या होती है? cos 53 आएगा बेस, तो इसका मतलब, बेस का मतलब क्या आया? यहाँ आएगा बेस अपॉन, ये आएगा हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितनी है? DR। और हाइपोटेनस कितना है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बना लिया आपने, तो DR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 53 की वैल्यू होती कितनी है, ज़रा वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, cos 53 निकालना आसान है, यहाँ लिखिए 53 लिखा तो 53 के सामने बड़ी साइड आ गई, और ये होता है 5, ये होता है 3। अगर ऐसे होता किसके लिए? साइन 37 के लिए, साइन 37 के लिए होता, तो 37 में ये होता है 3, नीचे होता है 4, ये होता है 5। आप दोनों ट्रायंगल को आसानी से यूज़ करके समझ सकते हो। यहाँ क्या निकालना था? cos 53, cos 53 इससे निकालोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये वाला हो गया 3/5। तो क्या आंसर यहाँ से आया? ज़रा देखिए, यहाँ से क्या होगा कि DR की अगर वैल्यू निकालोगे तो DR की वैल्यू आ जाएगी 3/5 (10×10 की पावर माइनस 2)। कैंसिल करोगे 5 × 10, तो ये आ जाएगा 6×10^-2 मीटर। तो DR मिल गया। अब आपको फार्मूला मालूम है, कैसे? फार्मूला ये मालूम है कि DV इज इक्वल टू होता है -E, और यहाँ होता है क्या? E, और ये आ जाता है .DR। क्या आता है? DR। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में ज़रा देखिए, आप जो पोटेंशियल का ड्रॉप है इधर जा रहे हो, और जो डिस्प्लेसमेंट है DR वो भी इधर है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से E और DR दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E DR cos 0। तो DV की वैल्यू कितनी है? DV की वैल्यू आपको मिल चुकी है, और EDR आ चुका है। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अब आसान है। इसकी वैल्यू दे दी गई 60, यहाँ से E की वैल्यू कितनी है निकालनी है, और DR आपको मिल चुका है कितना? DR है 6×10^-2। तो यहाँ से क्या आएगा? 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 10, और यहाँ से जब जाएगा ये, तो देखिए यहाँ से ऊपर जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ गया -1000 वोल्ट/मीटर। तो इतना आपको मिला, E की वैल्यू कितनी आ गई? E की वैल्यू आ गई 1000 वोल्ट/मीटर। ये आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको निकालना था। अब हम बेटा समझेंगे कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे थे कि आप जो पोटेंशियल का ड्रॉप था वो कैसे है? पोटेंशियल का ड्रॉप इधर हो रहा, देखिए इधर हो रहा था। अब ये डायरेक्शन भी निकालनी थी, तो डायरेक्शन के लिए एक देखना क्या है कि जो DV आएगा, DV आप इधर से इधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? इधर जा रहे हो। तो फाइनली आपने ऑब्जर्व किया कि आपका जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपका जो आंसर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? यहाँ पर ये पॉजिटिव आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप क्या जा रहे हो, देखिए जिधर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था उस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ गए, तो 100 - 60 हुआ, तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी? ये आएगी माइनस, यहाँ पे आएगा ये माइनस, DV की वैल्यू आएगी -60। जब यहाँ आप -60 रखोगे तो ये -60 है, इसको कैंसिल करोगे तो ये आया -10, और जब -10 माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सिमिलरली इस क्वेश्चन की। अच्छा, इसमें डायरेक्शन भी बात करनी थी, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा ज़रा देखिए, डायरेक्शन बहुत आसान है। डायरेक्शन कैसी है? एट एन एंगल,
कितना, ये तो देखिए इस पे 90 है, 90 प्लस 37, तो डायरेक्शन ऑफ ई एट एन एंगल कितना 90 प्लस 37, तो कितना हो जाएगा, 90 में 137 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया 127 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आंसर आपको लिखना होता है। ज़रा इस क्वेश्चन की बात कर लीजिए, इस क्वेश्चन में भी क्या है, पोटेंशियल इधर बढ़ रहा तो इस साइड में जाने पर क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। इसका मतलब कुछ लाइन ऐसे बनके आएगी, बनके आने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जिधर डिक्रीज होता है उधर डायरेक्शन होती है। तो हमने क्या देखा, हमारा पोटेंशियल इस साइड में डिक्रीज हो रहा, तो हमने इसके बीच में निकाल लिया dV। अब dV निकालेंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ से यहाँ गए तो 10 माइनस 20 करोगे, तो 10 माइनस 20 किया तो ये आ गया माइनस का 10 वोल्ट। तो पहले तो ये निकालना सीखा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके बीच में dr, क्या चाहिए dr। अगर हमें dr भी निकालना आ जाए तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब dr कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन में dr निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ये एंगल कितना है, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और इनके बीच की जो गैपिंग है वो तो 10 सेंटीमीटर ही दी है, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ है, 10 सेंटीमीटर यहाँ है, 10 यहाँ है। तो अब हमको लेना है ये ट्रेंगल, कौन सा ये ट्रेंगल, इस ट्रेंगल को बाहर निकाल लो, बाहर निकालने का मतलब कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा ट्रेंगल बन गया, ये ऐसा आ गया, यहाँ पर ये 60 डिग्री है और ये वाला आपको निकालना था, ठीक है, ये है आपके पास dr, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को आपने लिखा था 10 × 10^-2 मीटर, ऐसा लिखा है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, cos 60, तो cos 60 इज इक्वल टू मिलेगा dr अपॉन 10^-2 है, तो इसको हम क्या ले सकते थे, ये आ जाएगा 10^-1, 10^-1 इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो इधर जाएगा ये, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 10^-1, तो 10^-1/2 इज इक्वल टू dr, तो dr की वैल्यू हो गई 1/20, ये dr की वैल्यू निकल आई। और जब dr निकल आया तो हमको क्या करना है, हमको यूज़ करना है फॉर्मूला, हमको फार्मूला यूज़ करना था, कितना हमको फार्मूला यूज़ करना है, e इज इक्वल टू -dV/dr। अब dV/dr यूज़ करके हमको इसका रिजल्ट देना है, कितना आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ से e की वैल्यू निकालनी थी, देखिए dV की वैल्यू -10 आई है, -10 रख दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू dr की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 1/20, तो ये आ गया 1/20, तो ऊपर 1/20 जाएगा तो कितना आएगा, dV की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, तो यहाँ से कितना आएगा, e इज इक्वल टू आ गया 200, यहाँ से देखिए ये आ गया 20 था, 200 आ गया, अब 200 यहाँ से आया तो 200 न्यूटन पर कूलाम, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आ जाती है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले आपका काम है क्या निकालना, सबसे पहले dr निकालना, dr के लिए क्या है, ऊपर 30 है तो नीचे आ जाएगा 60, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, अब 60 लगाया तो cos 60 की वैल्यू 1/2, इधर से कितना दिया 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया यहाँ से 10^-1, तो यहाँ पुट कर देंगे 10^-1, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10^-1/2, तो ये हो जाएगा 1/20, ठीक है, ये 1/20 हो गया, और 20 हो जाने के बाद इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे, ये आपको मालूम है रिजल्ट है, यहाँ पर e इक्वल टू -dV/dr होता है, जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे e इक्वल टू
माइनस डी वी बाई डी आर, तो माइनस इसकी वैल्यू डी वी की वैल्यू दी जा रही है, माइनस की वैल्यू पुट करो, डी वी की वैल्यू माइनस टेन है, माइनस टेन आपने रख दिया यहाँ पर। दूसरा क्या है, डी आर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली, वन अपॉइंट ट्वेंटी, वन अपॉइंट ट्वेंटी, ट्वेंटी ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आपको रिजल्ट 200 न्यूटन पर कूलम मिल जाता है। ये एक जो ट्रेडिशनली जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इस तरह से आप ये सीख पाए कि कंसेप्ट इस डेरिवेशन से जो निकल के आया उस पे बेस कैसे कैसे प्रॉब्लम बनती हैं, उन प्रॉब्लम को आपके सामने रखा। आई होप आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आई होंगी, कंसेप्ट समझ में आया होगा, कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आया होगा। एक चीज़ और बताना रह गया था, यही बता देता हूँ, डायरेक्शन क्या होगी। ये तो होगा 90 डिग्री, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल, कितने एंगल पे होगी, एट एन एंगल 90 प्लस 30 मतलब 120 डिग्री, ये आ जाता है, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके सारी प्रॉब्लम इस वीडियो से रिलेटेड जो भी रही होंगी, जो भी कंफ्यूजन रहा होगा कि क्या होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, उसके क्या क्या एजम्पशंस होते हैं, क्यों हम ए और बी वेरी क्लोज लेते हैं, और उसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, मैंने वन बाई वन आपको क्लियर किया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराई जिससे आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट।